पर यदि आप जीवन के प्रति संवेदनशील बनना चाहें, बोध बढ़ाना चाहें, सामान्य धारणा से परे चीजों को समझना चाहें, तो आप सिस्टम में जो डालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम ये देखें कि शरीर कैसे भोजन से सबसे ज्यादा खुश है, शरीर सबसे ज्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहारी या पौधों पर आधारित भोजन खाकर शरीर सबसे ज्यादा आराम में है। मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, जो मुझे पूरे 24 घंटे चलाए रखता है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि भारत में इतने सारे लोग शाकाहारी क्यों हैं? और दैनिक जीवन में भोजन और फलों का क्या महत्व है? अभी भारत की लगभग 38% आबादी शुद्ध शाकाहारी है, परंपरा की वजह से। यह ऐसा ही है। करीब 50 साल पहले लगभग 60% शाकाहारी थे, लेकिन पश्चिमी शिक्षा पाए डॉक्टर लोगों से कहते रहे हैं, अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आपको पोषण नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा मांस खाना ही होगा। तो उस वजह से थोड़ा मांस खाया जाने लगा। पर फिर भी भारत में मांस खाना वैसा नहीं है जैसा ये पश्चिम में है। मांस केवल एक साइड डिश है, यहाँ तक कि मांसाहारी लोगों के लिए भी ये सिर्फ एक साइड डिश है। पर शाकाहार की वजह क्या है? देखिए, अगर आपका जिंदा रहना खतरे में है तो आपका पूरा जीवन उसे बचाने के बारे में होगा। एक बार जब जीवन संरक्षण का इंतजाम हो जाता है, तब आप सोचते हैं कि ये सब किस बारे में है, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहने का हो तो ऐसा लगता है कि जब जीवन चलाना ठीक से हो जाएगा तो हर चीज जबरदस्त हो जाएगी। पर जीवन संरक्षण का ख्याल हो जाने पर आपको एहसास होता है कि ये सच्चाई नहीं है, आपका जीवन किसी और चीज की लालसा कर रहा है। तो जीवन जीना बहुत सरल और आसान था, ये एक समृद्ध भूमि थी, लोग अच्छे से जीते थे। उस कारण से उन्होंने भीतर की ओर देखना शुरू किया और कई चीजें विकसित होनी शुरू हो गईं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ की लगभग 70% आबादी हमेशा सक्रिय रूप से आध्यात्मिक थी। भीतर मुड़ना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस वजह से जब वे भीतर की ओर मुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जो खाते हैं उससे फर्क पड़ता है। यदि आप सिर्फ ताकतवर बनना चाहते हैं तो बहुत सारा मांस खाकर मांसपेशियां विकसित कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ सकते हैं। पर अगर आप ये देख रहे हैं कि जीवन के प्रति संवेदनशील कैसे बने, जिसे सामान्य बोध माना जाता है, उससे परे की चीजों का बोध कैसे करें, तब आप सिस्टम में जो खाना डालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कौन सा भोजन है जो सिस्टम से सबसे कम प्रतिरोध के साथ गुजरता है, यानी कम से कम संघर्ष के साथ गुजरता है? तो इसे समझने के लिए आइए इसे ऐसे देखते हैं। जैसे मिसाल के लिए, अगर आप कच्चा मांस खाते हैं तो मांसाहारी जानवरों की तुलना में मानव सिस्टम में सारे मांसाहारी जानवरों में आहार नली की लंबाई उनके शरीर की लंबाई की लगभग बस 3 गुना होती है। सभी शाकाहारी जीवों की आहार नली की लंबाई शरीर की लंबाई से 5 से 6 गुना तक होती है। तो एक इंसान में ये 24 से 28 या 30 फीट के बीच हो सकती है, जो हमारे शरीर की लंबाई का लगभग 5 से 6 गुना है। इस किस्म की आहार नली में अगर आप मांस डालते हैं तो ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। It will travel through this very, very slowly, approximately. कच्चे मांस को सिस्टम से गुजरने में करीब 70 से 72 घंटे लगेंगे। अगर आप पका हुआ मांस डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 50 से 52 घंटे लगेंगे। अगर आप पकी सब्जी वाला भोजन डालते हैं तो इसे सिस्टम से गुजरने में 24 से 30 घंटे के बीच लगेंगे। अगर आप सिस्टम में कच्ची सब्जियां डालते हैं तो उन्हें सिस्टम से गुजरने में 12 से 15 घंटे लगेंगे। अगर आप सिस्टम में फल डालते हैं तो उसे सिस्टम से गुजरने में 1.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो हमने ये पहचानना शुरू किया कि वो कौन सा भोजन है जिससे शरीर में कम से कम मल बनता है, कम से कम अशुद्धियां बनती हैं, और जो सिस्टम से बहुत शीघ्रता से गुजरता है। क्योंकि योग में ये एक महत्वपूर्ण चीज है, हम सब अभी भी इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि अगर हम कुछ खाते हैं तो 2.5 घंटे में हमें भूख लगनी चाहिए, हमारा पेट खाली हो जाना चाहिए, पर हम खाते नहीं हैं। पेट खाली है पर हम ऊर्जावान हैं तो हम खाते नहीं हैं। तो आमतौर पर यहाँ योगा केंद्र में हर कोई सिर्फ 2 बार खाता है, पहला सुबह 10 बजे, दूसरा शाम को 7 बजे। बस मैं ज्यादातर दिनों में सिर्फ 1 बार खाता हूँ। अगर मैं यात्रा कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, पर आमतौर पर घर पर मैं 1 ही बार खाता हूँ। सुबह या शाम में? तो वो एक भोजन आप कब करते हैं?
आमतौर पर मैं शाम के 4:30 से 5 बजे खाता हूँ, जो मुझे पूरे 24 घंटे चालू रखता है। ये कोई नियम नहीं है, बात बस इतनी है कि जरूरत इतनी है। तो मान लीजिए किसी दिन बहुत ज्यादा शारीरिक काम है तो आप एक छोटा नाश्ता खा सकते हैं, या कोई फल या ऐसा ही कुछ खा सकते हैं। फूड इज नॉट टू बी मेड इनटू योर फिलॉसफी और अ काइंड ऑफ। भोजन को फिलॉसफी या कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। भोजन शरीर की जरूरत है। अगर हम इस पर गौर करें कि शरीर किस तरह के भोजन से सबसे ज्यादा खुश है, शरीर सबसे ज्यादा आराम में है, तो आप स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि शाकाहारी या पौधों पर आधारित भोजन खाकर शरीर सबसे ज्यादा आराम से और सहज है। ये शरीर लचीला और आराम में है और इसे रोजाना कम काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से जिन्होंने अपने शरीर की प्रकृति पर गौर किया वे सहज ही शाकाहारी बन गए। जब सवाल जिंदा रहने का था तो कुछ भी शिकार करना और उसे मारकर खाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, पर जब समाज बस गए तो वे जो चाहे उगा सकते थे। और फिर जैसे जैसे उन्होंने खुद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और जीवन बस किसी तरह जिंदा रहने के बारे में नहीं रहा बल्कि अपने जीवन को बोध और अनुभव के ऊंचे स्तर तक उठाना बन गया, तब इंसान स्वाभाविक रूप से शाकाहारी बन गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा हर जगह होना तय है।